हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसके चलन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपको आज बताएंगे कि कैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर की देते हैं। देखिए दोस्तों, दो वाल अंदर से निकले होते हैं मोटर के अंदर से, जिसे स्टार्टर के अंदर लगाना होता है। ये कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें से फर्स्ट किसी भी एक केबल लेंगे, उसमें से तीनों में से कोई भी कलर के वायर आप फर्स्ट में से लगा सकते हैं, जैसे रेड है, येलो है। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे फर्स्ट में येलो कलर का वायर स्टार्टर के अंदर लगाएं, जो अपना मेन स्टार्टर होता है, रिले और कॉन्टेक्टर, उस पुट में हम येलो लगा दिया है। उसके बाद हम रेड वायर को दूसरे टर्मिनल पर आउटपुट पर लगाएंगे। ये हमने दूसरे वायर रेड वायर को लगा दिया है। इसके बाद हम कॉन्टेक्टर के तीसरे वायर यानी बचा हुआ ब्लू, उसको हम तीसरे पॉइंट पर लगाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेन कॉन्टेक्टर में तीसरा वायर हम लगा रहे हैं स्टार के अंदर। मेन हमारा रिले और कॉन्टेक्टर है, उसमें हम ब्लू वायर लगा देंगे। और दोनों दोस्तों, इसे आप अच्छे से टाइट करें, क्योंकि थ्री स्टार्टर हैं, इसे लूज़ रहेंगे तो स्पार्किंग करेंगे, इस पे ज़्यादा लोड रहता है, इसलिए आप इसे लूज़ नहीं रखेंगे। इसे अच्छे से टाइट कर दें ताकि इसका स्पार्किंग नहीं हो सके। तो दोस्तों, अपने फर्स्ट केबल के कनेक्शन तो हो गए हैं, मेन स्टार्टर कॉन्टेक्टर रिले वाला होता है, ऑन ऑफ स्विच उसमें। लेकिन बची हुआ अपना दूसरा केबल जो मोटर से आ रहा है, ध्यान रखने की ये बात है कि इसमें से फर्स्ट वाले केबल में से हमने कोई से भी कलर लिए, लेकिन इसमें ध्यान लगाना है कि स्टार को हम डेल्टा में कनेक्शन करना है। दोस्तों, जो अपने दोनों केबल अंदर आ रही उसमें से एक का तो कनेक्शन कर दिया, लेकिन कब हम डेल्टा में कनेक्शन करेंगे, तो डेल्टा के जो कॉन्टेक्टर है उसमें ब्लू से ब्लू लगाना है फर्स्ट में, फिर सेकेंड में येल्लो और लास्ट में बचा हुआ वायर लगाना है। दोस्तों, इसके बाद मेन फ्यूज़ लगा देंगे केबल ताकि आपको करंट नहीं लगे। इसके बाद अपना कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम चेक करेंगे कोई लूज़ तो नहीं है। अगर लूज़ रह गया तो उसको अच्छे से टाइट कर देंगे, क्योंकि इसमें हेवी लोड रहता है। दोस्तों, 8 HP, 10 HP या आपके 5 HP कोई से भी मोटर हो, उसमें ज़्यादा लोड से यहाँ स्पार्किंग हो सकता है और स्टार्टर आपका जल सकता है, इसलिए वायर को अच्छे से टाइट करें। टाइट करने के बाद दोस्तों, अब हम देखेंगे कि फ्यूज़ हमारा और स्विच, ये देख रहे हैं आप कि ये मेसी 230 वोल्ट की जो अपने सर्विस पोल से अपने मीटर बॉक्स तक आती हैं यहाँ पर, और यहाँ से दो केबल हैं जो अपने मोटर के अंदर जा रहे हैं, दो आप देख सकते हैं दोनों आउटपुट से अपने मोटर के अंदर जा रहे हैं, जो अपने बोर है वहाँ पर, बोरवेल के अंदर जहाँ अपनी मोटर लगा रखी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अपने जहाँ पर बोरिंग है उसके अंदर, मोटर के अंदर ये दोनों वायर अंदर जा रहे हैं केबल। तो दोस्तों, सब कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम ऑटो स्विच को ऑन करेंगे। दोस्तों, और स्टार्टर का ढक्कन अवश्य बंद कर लें ताकि किसी को भी करंट लगे। देखिए, आप देख सकते हैं अपना मोटर ऑन हो गया है और ये पानी निकल रहा है इससे और अपना ही सप्लाई पाइप लाइन में चालू है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया। वीडियो नमस्ते दोस्तों।